चतुर्थी लग रही है कलसिक नियम लेना, शमी की वृक्ष की प्रति, जैसे ये बेलपत्र होता है शिव को और गणेश को बेलपत्र शमी पत्र समर्पित होता। आपको कथा में वर्णन किया था 33 कोटि देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चढ़ेगा पर 33 कोटि देवताओं को शमी पत्र चढ़ता है, और उसमें एक करी जी महाराज और एक बाबा भोलेनाथ इन दोनों को शमी समर्पित। कथा में पहले भी वर्णन किया, आज फिर आपको ये शिवलिंग है, समझ लेना बहुत अच्छे से जो आपको करना है रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए। ये शिवलिंग है, ये कोल जलाधारी है, ये चरण से जल नीचे गिरता है। शंकर जी का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में है। शंकर जी की 5 लड़कियां जो ऊपर से जल नीचे गिरा रही है, जया, विष्टता, शामरीबारी, दोतली और देव, ये शंकर जी की 5 लड़कियां जिनका नाम लेता सोने से रात्रि में नींद अच्छी आती, एक एक बूंद जो ऊपर से गिरा रही है ये शिव की 5 बहन। जहां से जल नीचे गिरता है शिवलिंग का जो जल मीजे जाता है उसके राइट भाग में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय का स्थान, बीच में शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान। शिव महापुराण की कथा कहती है और गणेश चरित्र अपन स्मरण कर रहा है और तर से चतुर्थी लग रही है। जिसके घर में संपदा की कमी बढ़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र 5 समर्पित करें और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में वहां समर्पित करें, 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें, 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लिप्त भाग में जाते समय आपका कोई था जब मंदिर से निकलो तो आपका लिप्त भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें 1 शमी पत्र। और महाराज का दिया जहा लिप्त भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहां शमी पत्र रखा है उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। केवल चतुर्थी से लेकर त्रयोदशी तक गणेश पुराण कहती है भगवान गणेश जी का मोर ध्वज का मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जब ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है उसके घर से कभी रीति सिद्धि नहीं जाती, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती। तर पर देखना अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है हमको पता ना चले, करके देखो एवं। और शिव महापुराण की कथा कहती है गणेश पुराण के तृतीय अध्याय में वर्णन किया कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। हरा मूंग की कटोरी भर लो, मूंग जानते हो हरी मूंग, मूंग की दाल होती ना जो हरा मुंह आखा मुंह हरा हो, कटोरी भरो उस पर गुड़ की एक थोड़ी गुड़ की बाती उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो, और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है कैंसर जैसा रोग भी है किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहा है कोई तकलीफ है बस वो कटोरी में मुंह में लेकर उसमें तुरकी खोरी रखकर 5 बेलपत्र रखकर जिसको बहुत बीमारी हो दमा श्वास किडनी आदि का आदि बहुत बीमारी हो 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम कोकर खुदता बोलकर और भगवान से करे जी से विनती कर उस कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो नहीं कटोरी, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाए, गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहे, हाथ में मत देना उस कटोरी को, भले दरवाजे पर चौखट पर गणेश जी के राइट हैंड की ओर आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, तो गणेश जी का जो राइट हैंड हो दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा, उस हाथ की वहीं पर अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि। महाराज कैसी भी बीमारी होगी अगर चलने में भी तकलीफ हो रही हो कि पापांतर मन पर जाए। गणेश जी महाराज ने कश्यप ऋषि से कहा सुनो कश्यप बाबा आपने मुझे दुर्वा समर्पित करी है, ये दुर्वा जो मुझे देगा वो वैभव पर प्राप्त करेगा,
जो दुर्वा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग दूर आकेगा। इस दुर्वा का अलग अलग महत्व है महाराज। कुएं के पास की सफेद पुरवा, कुएं के पास की सफेद पुरवा यदि काली दुर्वा गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पे, आपके घर में भी गणेश जी होंगे उनको समर्पित करो, खाली पे इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। गणेश जी को चराना सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर चबा चबा कर खाना, उदर की प्रॉब्लम जो भी मसा अधिक की प्रॉब्लम होती है उधर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी आपको, जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो सारी कितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से जुड़ी हुई जितनी भी हो समाप्त। यही दुर्वा शिव महापुराण की कथा कहती है यदि चतुर्थी के दिन साप गांठ वाली दुर्वा 21 ले लो और चतुर्थी के दिन गणेश जी को समर्पित कर दो, पंचमी तिथि को उस दुर्वा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो और जिसके सफेद चमड़ी पड़ रही हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्वा के साथ, दूध नहीं भी हो तो पंचमी के दिन दुर्वा का लेपन शरीर पर कर ले, आधे घंटे तक करने पर पंचमी को प्रदोष काल में स्नान कर ले महाराज, आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। दरेशपुरा दुर्वा का हो 21-21 दुर्वा के 108 बंडल बना लो। अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जरा इंटरव्यू दे दिया, 21-21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में माता जगदम्बा के मंदिर में अर्थात चाहे शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिए, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन कर मारे, और वही से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जा पड़ते हो कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चली जाएगी, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, अवश्य आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, फल प्राप्त दुबा सुख का अनुभव करा दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए दोबारा जमकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यक्तिगत जरूर कर रहा ऐसी और वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए भाव का आनंद करते हुए आज भी दरगाह को विराम देते हैं। आज का वीडियो पूरा देखिए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।